बागपत में पिछले हफ्ते अधजली हालत में मिली एक लड़की के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतका की पहचान नोएडा के सैदपुर गांव की रहने वाली मनीषा के रूप में हुई। मनीषा की हत्या उसकी भाभी भाई ने मिलकर की थी। इस वारदात में भाभी के प्रेमी ने भी साथ दिया। फिलहाल मृतका के भाई और भाभी गिरफ्तार हो चुके हैं। भाभी के प्रेमी संग अवैध संबंध और मनीषा की करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली बागपत क्षेत्र में चार दिन पहले एक लड़की का सूटकेस में बंद अधजला शव बरामद हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि शव नोएडा निवासी मनीषा का है, जो कि सैदपुर गांव के पूर्व प्रधान चरण सिंह की पोती है, जिसके बाद अब पुलिस ने मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। हत्या का आरोप मनीषा के भाई भाभी और भाभी के प्रेमी पर लगा। फिलहाल प्रेमी फरार है जबकि भाई भाभी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मनीषा की हत्या उसी के भाई मनीष, पत्नी शिखा और शिखा के प्रेमी पवन ने मिलकर की। शिखा और पवन के बीच कई सालों से अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक मनीषा को लिख गई थी। उसने इसका विरोध किया, लेकिन जब भाभी नहीं मानी तो मनीषा ने उनके अफेयर के बारे में अपने भाई मनीष को बता दिया, जिसके बाद शिखा ने बड़े शातिर तरीके से मनीषा को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। चूंकि मनीष और उसकी बहन मनीषा करोड़ों की प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार थे, तो मनीष अपनी बहन के खिलाफ था। वह उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहता था, इसीलिए मनीष अपनी पत्नी शिखा की बातों में आ गया। शिखा ने अपने पति को उसकी बहन मनीषा के खिलाफ ही भड़का दिया और उस पर झूठे आरोप लगाने का दोष भी मढ़ दिया। इस तरह शिखा के साथ मनीष भी अपनी बहन मनीषा की हत्या के लिए तैयार हो गया। इसके बाद शिखा ने पति को बहला फुसलाकर अपने प्रेमी पवन को भी इस प्लान में बड़ी चालाकी से शामिल कर लिया। मौका पाकर तीनों ने पहले तो मनीषा का गला दबाया, उसके बाद उसकी हत्या की। फिर उसके बाद शव को सूटकेस में डालकर बागपत के सिसाना गांव लाया गया, जहां सुनसान जगह में सूटकेस में आग लगा दी गई। सुबह जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसे अधजली हालत में मनीषा का शव बरामद हुआ और पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।